आमिर खान पिछले कई समय से साउथ सिनेमाएं दुनिया के सितारों के साथ मिलकर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। अब खबर है कि वे साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद के साथ मिलकर अगली फिल्मों पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें गजनी 2 भी शामिल है। जी हाँ, बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने फिल्म इंडस्ट्री से ब्रेक ले रखा है। उनकी बैक टू बैक आई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी। पहले ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, फिर लाल सिंह चड्ढा। इन दोनों ही फिल्मों की असफलताओं ने फैंस का भी दिल तोड़ा, जिसके बाद ही आमिर खान ने फिल्मों से ब्रेक लेने का फैसला किया। लेकिन अब लगता है कि उन्होंने भी शाहरुख की राह पर चलने का फैसला लिया है। इसी बीच उन्होंने अपनी अगली फिल्म से भी हाथ पीछे खींच लिए हैं। आमिर खान ने लाल सिंह चड्ढा के आने से पहले निर्देशक आरएस प्रसन्ना की अगली फिल्म के लिए हाथ मिलाया था, लेकिन कुछ समय पहले उन्होंने अपने इस प्लान को भी होल्ड पर डाल दिया। फिलहाल एक्टर ने इस फिल्म के साथ अब बतौर एक्टर नहीं, सिर्फ बतौर प्रोड्यूसर जुड़ने का फैसला लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानो तो आमिर खान अपनी अगली फिल्म के लिए काफी सतर्कता से आगे बढ़ना चाहते हैं। इस बीच खबर है कि आमिर खान इन दिनों साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद के साथ मिलकर अगली फिल्मों पर चर्चा कर रहे हैं। रिपोर्ट्स की मानो तो फिल्म मेकर अल्लू अरविंद ने आमिर खान के साथ गजनी 2 को लेकर भी एक विचार शेयर किया है। जाहिर है कि आमिर खान पिछले काफी समय से साउथ सिनेमाई दुनिया के सितारों के साथ मिलकर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, जिसका इशारा उनकी हालिया साउथ की ओर हुई लगातार विजिट से मिलता है। गौरतलब है कि फिल्म गजनी में आमिर खान ने बिजनेसमैन संजय सिंघानिया का किरदार काफी शिद्दत से निभाया था। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। निर्माता अल्लू अरविंद ने संजय सिंघानिया इस किरदार को आगे लेकर गजनी 2 की भूमिका बनाई है, जिसके लिए सुपरस्टार आमिर खान से चर्चा चल रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा है तो जल्द ही इसे लेकर मेकर्स एक बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। वेल, अगर गजनी 2 फिर से आ जाती है और इसमें आमिर खान का वही रोल देखने को मिलेगा, साथ में साउथ से हाथ मिलाना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वेल, आप कितने एक्साइटेड हैं अब इस फिल्म को देखने के लिए? अपनी राय, अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें।